बागपत में अपर परियोजना प्रबंधक मानवेंद्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई से निलंबित की संस्तुति जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सम्राट मेहरबोज प्रतिहार राजकीय महाविद्यालय के निर्माण कार्य किया है। निरीक्षण के दौरान 8,78,57,000 की लागत से किया गया महाविद्यालय का निर्माण कार्य। निरीक्षण के दौरान DM को दिव्यंग रैप की स्थिति में मिली खामी और बागपत के पावला गांव में हो रहा है विश्वविद्यालय का निर्माण। जनपद बागपत में एक राजा मिहिर भोज राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जानी, उसी क्रम में पावला गांव में निर्माणाधीन जो हमारा राजकीय डिग्री कॉलेज है उसका निरीक्षण द्वारा किया गया। शासन की यह बड़ी परियोजना है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण इसमें यह है कि डिजाइनिंग में और एग्जीक्यूशन में काफ़ी गंभीर अनियमितताएँ हैं। जो दिव्यांगों का रैंप है उसको सकरा कर दिया गया है और बजाय बिल्डिंग के दाहिने हाथ की बजाय बाएं से किया गया, जिसमें दिव्यांगों को और अधिक चलना पड़ेगा। जो शौचालयों में कमोड लगाए गए हैं और जो शौच के उपरांत साफ करने के लिए जो फॉसेट्स होते हैं उसको ये ध्यान रखा जाता है कि लेफ्ट हैंड से ही आदमी अपनी सफाई कर सकता है। इन्होंने फॉसेट्स ही लेफ्ट हैंड में लगा दिए हैं तो राइट हैंड से ही आदमी को शौच के उपरांत अपने आप को साफ करना पड़ेगा, जो एक मूलभूत बातें हैं। डिज़ाइनिंग में भी गंभीर कमियाँ हैं। जो शेड्यूल रेट्स में जो सामान दिखाए गए हैं, फॉर इंस्टेंस खिड़कियों में शीशा दिखाया गया, उसको चेंज करके फाइबर में कन्वर्ट कर लिया गया है। इसके अलावा डिज़ाइन में मेजर फॉल्ट्स दिख रहे हैं, यहाँ तक कि जो बिल्डिंग का जो फ्रंट पोर्शन है और वो जो बैक पोर्शन है वो भी एक सिमिलर लाइन में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो परियोजना प्रबंधक मनेंद्र सिंह हैं इन्होंने इसको बिल्कुल भी नहीं देखा है, ये सिर्फ मेरठ में लेटे रहे होंगे। और जो साइट इंजीनियर योगेंद्र हैं ये बिल्कुल भी लगता है जैसे अनपढ़ जैसे कोई व्यक्ति इसके इंचार्ज हैं। इसका नुकसान ये है कि ये परियोजना एडवांस स्टेज में है, अब इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे उसमें भी कॉस्ट बढ़ेगी और परियोजना में ठीक करने की सीमाएं हैं। इस कार्य के लिए जो हमारे अपर परियोजना प्रबंधक हैं मिस्टर मनेंद्र, इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निलंबन के लिए संस्तुति कर रहे हैं। और उसके अलावा जो JEE यहाँ पर हैं उनको भी प्रतिकूल प्रविष्टि और अन्य कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि राजकीय जो महाविद्यालय बने यहाँ पर वो इस प्रकार से बने जो बच्चों के लिए अगले 50 सालों के लिए काम आए। अभी इसमें कई सारी गंभीर कमियां हैं जिसके लिए लोक निर्माण विभाग के XC अतुल कुमार को एक टेक्निकल नोट देने के लिए कहा गया है। इसके क्रम में जो हमारे महाप्रबंधक राज्य निर्माण निगम में लखनऊ में, उनको भी इन सभी का दायित्व तय करने के लिए और जो सरकारी पैसा बर्बाद होगा उसकी रिकवरी के लिए संस्तुति की जाए।